दोस्तों फाइनली सैमसंग ने अपने इंडिया के अंदर एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F13। दोस्तों बात करो इस डिवाइस की प्राइस की तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपये के अंदर 464 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अगर आप 1,000 रुपये और लगाते हो तो यहाँ पे आपको 4128 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों साथ में 12,000 रुपये में आपको मिलने वाला है कंपनी का भरोसा। जैसा कि आपको पता है सैमसंग एक जानी मानी ब्रांड है, अगर आप इसके फ़ोन को खरीदने के बाद 1-2 साल यूज़ करके बेचते भी हो तो आपको अच्छी प्राइस जो है मिल जाती है इसके सेकेंड हैंड फोन की भी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F13 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर सैमसंग कंपनी का देखने को मिलता है सैमसंग एक्जिनोस 850 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप गेमिंग नहीं कर सकते हाई लेवल की, जो नॉर्मल गेमिंग होती है जैसे कि सबवे सफर या नॉर्मल इंस्टाग्राम चलाना व्हाट्सअप चलाना नॉर्मल काम आप कर सकते हो, क्योंकि यार 12,000 रुपये एक बजट फोन जो ये आता है सैमसंग की तरफ से, तो यहाँ पे आपको एक बजट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल में आपका काम चला देगा, हैंग वगैरह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप हाई गेमिंग सेटिंग के अंदर पबजी नहीं खेल सकते। दोस्तों ये तो थी बात प्रोसेसर की, अब बात करते हैं कैमरा की। तो दोस्तों कैमरा के अंदर यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, बैक के अंदर आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 12,000 रुपए के अंदर सैमसंग का कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है, और साथ में जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का और फिर 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में थोड़ी बहुत कमी रखी गई है जो है 8 मेगापिक्सल। फ्रंट के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और वहीं पे बात करूँ इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आपको मजा दिला देगी इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले वैसे ही अच्छी आती है। AMOLED होती तो यार और मजा आ जाता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस फोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है। बैटरी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो कि प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एज एक्सपेक्टेड था। और वहीं पे बात करूँ कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लुकिंग के मामले में बहुत सुंदर फ़ोन बनाया गया है। मतलब क्या, आप जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं ना 10,000 से ऊपर के या 8,000 कितने भी हज़ार के, वो सारे इतने सुंदर निकल के आ रहे हैं। पहले के अगर आप 2 साल पहले जाते हैं तो सिर्फ 2 कलर में आपको फ़ोन दिखाई देते थे, या तो फ़ोन होगा ब्लैक या फ़ोन होगा वाइट। अब तो मल्टी कलर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो ये सैमसंग का फ़ोन आ रहा है ये आपको 3 कलर में देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको 3 कलर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और फ़ोन की लुक की बात करूँ तो फ़ोन आपको कमाल का देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर और इसके फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सैमसंग के जो डिवाइस में नॉर्मल फीचर्स आते हैं सारे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और ऑल ओवर सैमसंग कंपनी की तरफ से आता तो ये एक ब्रांडेड फोन निकल के आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी छोटी सी बनाई वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ जानना हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।